हेलो, वेलकम टू IMS। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल किया था, जैसे अभी हमने सॉइल किया था, अब हम करेंगे एग्रीगेट। अब एग्रीगेट सॉइल का वही होता है पार्ट, जैसे ये पेवमेंट है, हमने बिटुमेन कर लिया, हमने सॉइल कर लिया, जो बीस का पार्ट बन गया है, बेस कोर्स। ये अपने पास ये होता है अपना एग्रीगेट। अपन इसको देखेंगे आज हम। इसमें होता है ये एक मेजर कंपोनेंट, जैसे दिख रहा है आपने वो डायग्राम में देखा था, मेजर कंपोनेंट होता ही है ना ये। अपना स्ट्रेस जो होती है ना, जो स्ट्रेस होते हैं अपने रोड के ऊपर, जो गाड़ी चल रही है या फिर धूप की वजह से या फिर ठंड की वजह, जो स्ट्रेस आता है ना उसको वो बियर करती है, है ना। ये अपना जो भी ट्रैफिक की वजह से एब्रेशन, मतलब लगातार ट्रैफिक की वजह से या फिर किसी गाड़ी की लोड की वजह से उसके अंदर रोड़ी बोलते हैं उसको, है ना, उसका जो एब्रेशन होता है ना उसको रिजिस्ट करती है, है ना। ये अपना बेस और सब में यूज, सब बेस में यूज होती है। मैंने देखा है भाई यहाँ पे, इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी अपन कुछ कुछ रोड़े ऐसी होती है अपने गांव के साइड की रोड़े हैं कि जहाँ पे डामर डाल रखे है ना, डामर नहीं उधर, वहां पे यही रोड बना के छोड़ देते हैं वो। तो ये रोड वहां पे ऐसी बनानी बनाते हैं वो, ताकि वो थोड़ी लंबी चल जाए भाई बारिश के अंदर, क्योंकि बहनी तो है, क्योंकि क्योंकि हमने जो वाटर का उस टाइम पे है पानी ऐसा, तो भाई डामर एक ऐसी चीज होती है, मतलब ना बिटुमिन, जो पानी को जाने नहीं देती रोड के अंदर। लेकिन जब तक बिटुमिन नहीं होगा तब तक वो ऐसी काम नहीं करेगी, तो वो वहां पे एक तरह से टेम्पररी होती है ना वो रोड बनती है इससे। तो उसको लगा के उसको कॉम्पैक्ट करके एक बढ़ा देते हैं, वो भी स्टेबल बनती है सही से, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो जाती है ना। ये दो टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। भाई नाम से पता चलता है नेचुरल आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है वो अपने नेचुरल रॉक्स नहीं होते क्या, उनसे फॉर्म होके बनता है ना वो जो चीज है। उसमें तीन टाइप के रॉक्स देखते हैं, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया और मेटामॉर्फिक हो गया। भाई इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक पता है कहां से निकलता है, क्या चीज होती है। आर्टिफिशियल जो होता है ना, ये पत्थर होता है, जो आर्टिफिशियल जो रॉक होती है ना एग्रीगेट, वो आर्टिफिशियल रॉक ईंटों से बनती है, ब्रिक्स नहीं होते, ईंटें। उनमें ऐसी ईटे काम नहीं जाती जिनमें वाटर अब्सॉर्बमेंट थोड़ा कम हो, मतलब जो ओवरबर्न्ड ब्रिक्स नहीं होती क्या, उनको यूज लिया जाता है जनरली। ये ब्रिक ब्लास्ट होता है, ये मतलब ब्रिक ब्लास्ट होता है ना, वो ही अपना एग्रीगेट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होती है गुड एग्रीगेट की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। पहले उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब जो उसका क्रशिंग होती है ना, जो गाड़ी का चल रहा है ऊपर, उसके ऊपर से प्रेशर आएगा जिसे क्रशिंग होती है, उसको रेजिस्ट करें ना, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना। उसके अंदर हार्डनेस होनी चाहिए, भाई एब्रेशन उसके अंदर जो रेजिस्ट शेयर भी हो रहा है, उसके अंदर एब्रेशन हो रहा है, उसको रेजिस्ट कर ले, है ना। और उसमें टफनेस होनी चाहिए, इम्पैक्ट। भाई कभी कभी अपने रोड पे इम्पैक्ट भी होता है ना चीजें, जिसके अपने इम्पैक्ट होती है। फिर अपना टफनेस वो है अपना रेजिस्टेंस को, इम्पैक्ट को ना जो रेजिस्ट करने के लिए होता है। भाई कोई रोड पे कोई भी इम्पैक्ट होता है, जैसे हमने कोई बड़ा सा या फिर एक्सीडेंट होता है उससे, या फिर किसी भी चीज से इम्पैक्ट होता है ना, उसको रेजिस्ट करती है। ड्यूरेबिलिटी, भाई अपने को देखा, भाई ड्यूरेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, जब अपना एग्रीगेट हो ना वो वेदर से है ना, मतलब वेदर के अगेंस्ट, मतलब भाई अपना जो वेदर है, वेदर के जो एक्शन है उसको रेजिस्ट कर सके। भाई अपने कोल्ड हो रहा है, हॉट हो रहा है ना, उसके वेदर को, भाई बारिश आ रही है लगातार, उसको रजिस्ट कर लेना, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी का आ गया भाई। और शेप ऑफ एग्रीगेट, जो अपना एग्रीगेट का जो शेप होता है ना, वो बहुत वो भी इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। आप शेप देख लेते हैं, शेप कैसे कैसे है अपने एग्रीगेट में। यूजुअली फाइव टाइप की शेप होता है ना, पहले अपना एंगुलर, फिर इलोंगेटेड, फिर राउंडेड, फ्लैकी और अपना इलोंगेटेड एंड फ्लैकी। अपने एंगुलर में होता है भाई, एंगुलर पत्ते दिख रहे हैं भाई, एंगुलर होते हैं पक्के। एंगुलर इलोंगेटेड में थोड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं, लंबे लंबे होते हैं ना। राउंडेड में गोल पत्ते जो अपने नो कॉमनली अपने को मिल जाते हैं। फ्लैकी अपने जो एकदम चपटे टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े से फ्लैट टाइप के होते हैं ये, है ना। और अपने इलोंगेटेड फ्लैकी ये होते हैं, है ना, ये होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो अपने मेजरली यूज करते हैं, वो अपन एंगुलर और राउंडेड यूज करते हैं, क्योंकि ये है ना इसके अंदर, मतलब ना तो ये एक दिन से एक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। ये उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इस लायक नहीं होती कि भाई यहाँ पे लकाम में आ जाए एग्रीगेट के अंदर, है ना। अब इसके कुछ टेस्ट होते हैं अपने पास, है ना। इसके टेस्ट होते हैं, बड़ा क्या टेस्ट होते हैं अपने एग्रीगेट्स के, मैंने नाम बताया हूँ इसके, जो कैसे टेस्ट होते हैं और क्या क्या होता है इनमें टेस्ट में, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी बताता हूँ, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, एब्रेशन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट। अभी जितने भी टेस्ट ना, ये उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं भाई, उसकी इम्पैक्ट। भाई गुड एग्रीगेट है, जैसे हमने लास्ट वीडियो देखा, इसमें गुड एग्रीगेट की स्ट्रेंथ होती ना वही सेम भाई, इसमें स्ट्रेंथ तो अपने यहाँ पे स्ट्रेंथ क्रशिंग टेस्ट देख रहे हैं अपन यहाँ पे, भाई अपने हार्डनेस है तो अपने यहाँ पे एब्रेशन टेस्ट देख रहे हैं। तो मतलब भाई ये टेस्ट पार करने के बाद में एक गुड एग्रीगेट में माना जाता है ना।
यहाँ पे ये होता, हमने प्रॉपर्टीज हो गई अपने से टेस्ट हो गई, नेक्स्ट वीडियो अपन इसके टेस्ट को एलेबरेट करके पढ़ेंगे, तो 5 टेस्ट है ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थैंक यू वेरी मच।